नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए एमजी रोड थाना क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो से 24 पेटी अवैध शराब के साथ दो व्यक्ति को पकड़ा, जिसमें 21 पेटी बियर और 3 विस्की पेटी जब्त की है। दरअसल इन दिनों इंदौर पुलिस अवैध शराब और अवैध नशे को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने शनिवार की सुबह जेल रोड से एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली, तो उसमें 21 पेटी बियर और 3 पेटी विस्की की मिली। इसी के साथ व्यक्ति भी गाड़ी में मिले, जिनसे नाम पता पूछने पर अशोक जायसवाल और प्रणय होना बताया। वहीं पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 1,00,000 रुपये बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा अवैध शराब के परिवहन को लेकर एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक स्कॉर्पियो को पकड़ा गया है जेल रोड पर। और स्कॉर्पियो में दो व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें एक अशोक यादव जो कि ठेकेदार बताया जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो उसका मुनीम बताया जा रहा है, प्रणय। इन दोनों को फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है हिरासत पर लेकर। और इसमें जो गाड़ी की जब तलाशी ली गई, तो उस गाड़ी में लगभग 24 पेटी बियर 24 पेटी शराब पाई गई, अवैध शराब, जिसमें 21 पेटी बियर है और 3 पेटी इसमें विस्की है। तो इसमें कुल मिलाकर 24 पेटी जब्त की गई है। 34(2) के एक्साइज एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। 1,00,000 से ऊपर की अधिक की कीमत शराब की कीमत है और लगभग 10,00,000 स्कॉर्पियो की कीमत है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।